गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 11th of October 2022। आइए देखते हैं कि ओवरनाइट में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और आने वाले दिनों में हमारा क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। डॉलर इंडेक्स अभी है 113.39 पे। ये आपका 5th of October में जस्ट स्विंग लो से अप मार रहा है। द रीजन बीइंग आपका एनएफपी डेटा बेटर देन एक्सपेक्टेड था, उसकी एक्सपेक्टेशंस में काफी उछाल, बैक टू बैक 5 दिन ऊपर जा रहा है। एंड अभी 13th of October का जो यूएस सीपीआई डेटा है, मार्केट इज वाचिंग दैट पर्टिकुलर इवेंट, वेटिंग फॉर दैट इवेंट। तो जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कशंस किया था, ये जो अप मूव दे रहा है, ये आपको कहाँ पे अप मींस टॉप बनाएगा वो हमें देखने वाला बात है। ये जो हाई बनाएगा वो हाई क्या, ये वाला हाई से, प्रीवियस वाला हाई से, दैट इज आपका 114.77, उस हाई के ऊपर क्लोज देगा या नहीं देगा, पहला क्वेश्चन। अगर क्लोज देगा तो फिर हमारा जो करंट कैलकुलेशन से वो निगेट हो जाएगा। अगर इट फेल्स टू ब्रेक अबव द स्विंग हाई ऑफ 114.77 इन सच ए सिनेरियो, इट विल मेक ए लोअर हाई। देन हमारा जो वेट रहेगा कि ये जो स्विंग लो है, दैट इज 110.10 के लेवल पे, उस लो को तोड़ता है या नहीं। अगर तोड़ देता है तो देन इन दैट केस जो अपवर्ड मूव है वो हॉल्ट हो जाएगा फॉर सम मोर टाइम। तो हमें यही देखना है, अभी इंतजार करना है। एक तो 13th of October का सीपीआई डेटा, यूएस सीपीआई डेटा, एंड ये जो हाई कैसे बना रहा है, हाउ द प्राइस एक्शन इज गोइंग ऑन। डॉलर रुपी में कल हमें एक अच्छा खासा सेलिंग देखा गया है, सम सॉर्ट ऑफ इंटरवेंशंस देयर। अभी है 82.38, सो हमें यहाँ पे केयरफुली खेलना है। लॉन्ग साइड से अगर खेलना है तो इंट्राडे में ही खेल के क्लियर करना है, एंड ऑल्सो एनी सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव्स हमें मॉनिटर करना है। जीबीपी डॉलर में टॉप जो स्विंग हाई है आपका 114.80, वहां से अच्छा खासा डाउन मारा है, अभी है 1.1040। अभी हमें देखना है कि ये जो डेली आरएसआई है अभी 140 लेवल्स में है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ये रेंज शिफ्ट कहलाएगा। इन सच ए सिनेरियो हमें आपका 10th of October के हाई के ऊपर, दैट इज 1.1110, सो 1.1120 के ऊपर हम अगर क्लोज दे देता है आज या कल, देन वी मे प्ले फ्रॉम द लॉन्ग साइड। जीबीपी आईएनआर में भी सिमिलरली अभी यहाँ पे काफी ऊपर है, बेसिकली ये 46 में है, अभी थोड़ा सा रूम है, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा हाउ इट इज बिहेविंग, वेदर इट इज टेकिंग सपोर्ट हियर एंड मूविंग हायर और नॉट। यूरो डॉलर पे सिमिलरली ये अभी 39 के आसपास आरएसआई है, हमें यहाँ पे देखना है वही कि यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जाता है या नहीं। अगर ये ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है सो ये रेंज शिफ्ट कहलाएगा। इन सच ए सिनेरियो वन में ट्राई टू प्ले फ्रॉम द लॉन्ग साइड फॉर ए टारगेट ऑफ 1.0000। यूरो आईएनआर में हम अगर देखेंगे, यूरो आईएनआर में भी ये जो स्विंग हाई है वहां से अच्छा खासा सेल ऑफ आया है, हमें अभी देखना है कि ये जो आरएसआई 40 में सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है। डॉलर येन में आपका अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा रहा है, आपका 146 के ऊपर हमें देखना पड़ेगा हाउ द प्राइस एक्शन इज बिहेविंग एंड ऑल्सो द एक्शन ऑफ द बीओजे। येन आईएनआर पे सिमिलरली यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। डॉलर गिंडी अभी आपका ये जो स्विंग हाई है उसको अबाउट टू ब्रेक, अभी तक हुआ नहीं है, अगर ये अबाउट टू ब्रेक करता है एंड उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो थोड़ा सा और अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर फेल टू ब्रेक देन हमें थोड़ा सा रीअसेस करना पड़ेगा। 80 डॉलर काफी लो पे है,
रिसेंट स्विंग लो पे है, अभी ये 0.6263 पे है, तो हमें थोड़ा सा और सेल ऑफ, जैसे कि यहाँ पे ये जो हमारा 2 दिन पहले का एनालिसिस था वहाँ पे हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे एक ग्रीन कैंडल जो आपका 6th एंड 7th अक्टूबर का हाई को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सो ये और डाउनवर्ड मूवमेंट जा रहा है, यहाँ पे और थोड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है टिल वी आर गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ रिवर्सल साइंस। डॉलर्स एन एच आपका ये जो 1.15 उसके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे हमें देखना है कि जो ये रिसेंट हाई बनाया था 7.2650 का उसके ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। यूके ऑयल आपका 98.5060 के आसपास हाई मार्के, कल एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग टाइप ऑफ एक्टिविटीज आते हैं, लेकिन अभी हमें देखना है कि ये जो आपका 96 का एक रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके आपका 7th अक्टूबर ऊपर चला गया था एंड 10th अक्टूबर में फिर एक यहाँ यहीं पे आया है। अब अभी हमें देखना है कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर जाता है या नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, ये हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है एंड आपका कल का हाई को तोड़ देता है, देन इन सच ए सिनेरियो वी मे एक्सपेक्ट 104.80 से 107.80 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी अभी फिर वही आपका जो स्विंग हाई है उसको जस्ट अबाउट टू ब्रेक दैट वन, सो काफी बुलिशनेस है। अभी तक ये स्विंग हाई को तोड़ा नहीं है, जस्ट नैरोली अवे फ्रॉम द स्विंग हाई, रिसेंट स्विंग हाई। तो ये अगर रिसेंट स्विंग हाई दैट इज 4.001 के ऊपर क्लोज दे देता है, सस्टेन करता है, तो हमें और नया हाई देखने को मिलेगा। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। विशिंग यू ऑल ए वेरी गुड डे।